हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेव एंड ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। देखिए स्टूडेंट्स, रिजॉल्विंग पावर जो है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की उस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जिस एबिलिटी के कारण वो दो क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स की डिस्टिंक्ट सेपरेट इमेजेस जो है वो फॉर्म कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से रिजॉल्विंग पावर जो होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, वो इसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि वो कितनी अच्छे से दो क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस जो है, सेपरेट डिस्टिंक्ट इमेजेस जो है, वो हमें फॉर्म करके दे सकता है। अगर आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए रेली क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। तो उससे पहले आपको एक एग्जांपल जो है डेली लाइफ का वो कंसिडर करना होगा। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप एक अंधेरी रात में सड़क के ऊपर खड़े हैं और आप दूर से आते हुए एक फोर व्हीलर को ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए वो फोर व्हीलर जो है वो कार है, तो कार जब बहुत दूर होगी आपसे तो जो उसके हेडलाइट्स होंगे तो वो आपको मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा जो लाइट आ रही है फ्रॉम हेडलाइट्स ऑफ कार वो एक सिंगल लाइट सोर्स से आ रही है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस केस को हम बोलते हैं नॉट रिजॉल्व केस। तो इस केस में दोनों हेडलाइट्स का जो डाइफ्रेक्शन पैटर्न आपको मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, आइए पहले वो ड्रॉ करते हैं। तो नॉट रिजॉल्व के केस में दोनों हेडलाइट्स का डाइफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से होगा। आपको पता है डाइफ्रेक्शन पैटर्न किस तरह से होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं दोनों तरफ। और जो दूसरी हेडलाइट का डाइफ्रेक्शन पैटर्न होगा वो पहले वाले हेडलाइट के डाइफ्रेक्शन पैटर्न से ओवरलैप कर रहा होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये केस हो गया हमारा नॉट रिजॉल्व केस। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास कार जो है थोड़ा आगे आती है तो आपको लगने लग जाता है कि वो एक लाइट सोर्स नहीं है बल्कि वो दो अलग अलग लाइट सोर्सेस हैं, दो अलग अलग हेडलाइट्स हैं। तो इस केस में जिसको हम जस्ट रिजॉल्व केस बोलते हैं, तो इस केस में जो इनका डाइफ्रेक्शन पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा, आइए वो देखते हैं। ये है पहले हेडलाइट का डाइफ्रेक्शन पैटर्न। लॉर्ड रेली ने हमें क्या कहा था, जस्ट रिजॉल्व के केस में जो दूसरे हेडलाइट का डाइफ्रेक्शन पैटर्न होगा वो एक खास तरह से बनेगा। वो खास इस तरह से बनेगा, जहां पर पहले हेडलाइट का फर्स्ट मिनिमा फॉर्म हुआ है वहां पर दूसरे हेडलाइट का सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। और जहां पर पहली हेडलाइट का सेंट्रल मैक्सिमा बना है वहां दूसरे हेडलाइट का फर्स्ट मिनिमा बनेगा। तो इस केस को हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व केस। इस केस में आपको इमेजेस जो है वो जस्ट सेपरेट नजर आएंगी, जस्ट रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगी। कंडीशन क्या है कि जो दूसरी हेडलाइट का सेंट्रल मैक्सिमा है वो पहले हेडलाइट के फर्स्ट मिनिमा पे बनेगा और पहली हेडलाइट का सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो दूसरे हेडलाइट के फर्स्ट मिनिमा पर बनेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेली क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। और जब कार बहुत आगे आ जाती है तो आपको दोनों हेडलाइट जो है वो क्लियरली अलग अलग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस केस में जो आपको डाइफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई देगा, दोनों सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो आपको क्लियरली विजिबल होंगे इस प्रकार से। ये पहली हेडलाइट का डाइफ्रेक्शन पैटर्न हो गया और दूसरी का जो डाइफ्रेक्शन पैटर्न होगा
वो बिल्कुल ही आपको अलग सेपरेट नजर आएगा। तो इस केस को हम बोलते हैं वेल रिजॉल्व केस। तो स्टूडेंट्स उन हेडलाइट्स के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा कि उनकी इमेजेस आपको जस्ट रिजॉल्व अपीयर होती हुई दिखाई देंगी, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और जो रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की, उस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होती है, मींस उस मिनिमम डिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है जो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होना चाहिए, सो दैट देयर इमेजेस आर अपीयर जस्ट रिजॉल्व। उस मिनिमम डिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए और इसकी इमेज किस प्रकार से बनेगी, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो हम ऑब्जेक्ट्स व्यू करते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल पास होते हैं, जबकि टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट जो हैं वो बहुत दूर होते हैं। जैसे हम टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं तो दे आर फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, बट माइक्रोस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होता है। टेलीस्कोप और आई के केस में एंगल मैटर करता है, बट माइक्रोस्कोप के केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के पास होता है तो यहाँ पर डिस्टेंस मैटर करता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पर आएंगी, इस पॉइंट को हम एम दे देते हैं, इस पॉइंट को एम दे देते हैं और ये यहाँ पर इमेज फॉर्म करेंगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट और ये पी जो है वो ए का इमेज है। तो यहाँ पर इसका डायफ्रेक्शन पैटर्न जो बनेगा पी पॉइंट पर उस डायफ्रेक्शन पैटर्न का बनेगा, उस डायफ्रेक्शन पैटर्न का बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा और फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमास होंगी दोनों तरफ इस प्रकार से। ये डायफ्रेक्शन पैटर्न बन गया किसके लिए, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट ए के लिए। तो इसके पास बिल्कुल इसके पास ये डिस्टेंस जो है एक्चुअली बहुत कम है, बहुत ही कम है, बट यहाँ पर हमें ड्राइंग बनानी है, फिगर बनाना है, तो ये डिस्टेंस हम थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। तो ए के बिल्कुल पास में एक दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दैट इज बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी आइए वो देखते हैं। यहाँ से रे गई और यहाँ से एन पे गई और ये इस पॉइंट पर फॉर्म मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स ये जो रे है ये मिलेगी स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्यू पॉइंट। और दूसरी रे जो बी से निकल के यहाँ पर आएगी एन पे और वो भी क्यू पॉइंट पर मिलेगी और क्यू पॉइंट पर आपको इमेज मिलेगी किसकी, बी ऑब्जेक्ट की। तो अगर हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जस्ट रिजॉल्व करना है, इनकी इमेजेस को जस्ट रिजॉल्व करना है, तो कंडीशन क्या है रेली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो हमारी इमेज क्यू का जो डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा वो कैसा बनना चाहिए आइए वो देखते हैं। रेली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्यू पॉइंट पर जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो इस सेंट्रल मैक्सिमा के इस डायफ्रेक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा पे बनेगा। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन जो है वो रेली सर ने हमें बताई थी इस प्रकार से। यहां पर ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये हमारा P है, ये हमारा Q है, पॉइंट P और Q यहां लिख देते हैं, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा हो गया पॉइंट P, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा Q पॉइंट का सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट पर फॉर्म हो रहा है जो कि पी पॉइंट के फर्स्ट मिनिमा को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और क्यू पॉइंट का फर्स्ट मिनिमा जो है वो पी के सेंट्रल मैक्सिमम पर फॉर्म हो रहा है। तो ये रेली क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आप इन इमेजेस को जस्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि आखिरकार रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप रिप्रेजेंट्स इट्स एबिलिटी टू फॉर्म डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स लाइंग क्लोज टुगेदर।
किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि वो कितने अच्छे से दो ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लोज टुगेदर हैं, जो कि पास पास पड़े हुए हैं, जो कि जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, उन दो ऑब्जेक्ट्स की कितनी अच्छे से वो डिस्टिंक्ट सेपरेट इमेजेस बना सकता है, और इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी फॉर विच देयर इमेजेस पी एंड क्यू अपीयर जस्ट रिजॉल्व इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ए और बी के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उनकी इमेजेस जो है पी क्यू इस माइक्रोस्कोप के द्वारा जस्ट रिजॉल्व होती हुई दिखाई दें, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सो ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी होगा। और इमेजेस के जस्ट रिजॉल्व होने की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं रेली क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग पहले वाले का जो सेंट्रल मैक्सिमा होना चाहिए वो दूसरे वाले के सेंट्रल फर्स्ट मिनिमा पर लाई करना चाहिए। इसी प्रकार से जो सेकंड वाले के डायफ्रेक्शन पैटर्न का फर्स्ट मिनिमा होना चाहिए वो पहले वाले के पहले डायफ्रेक्शन पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर लाई होना चाहिए, तभी ये इमेजेस जो है वो जस्ट रिजॉल्व मानी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मींस 1 बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1 बाय डी, मींस डी जितना कम से कम होगा उतनी आपकी रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप की वो ज्यादा होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं तो उस केस में जो हमारा माइक्रोस्कोप है इमेजेस को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करके देगा आपको, और उस केस में रिजॉल्विंग पावर है जो माइक्रोस्कोप की वो ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो होगी आपकी डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस डायग्राम और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, कोशिश करते हैं और फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ डी ताकि हम इसका रेसिप्रोकल कर सकें, सो दैट वी कैन गेट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम पावर डिफरेंस फाइंड करेंगे उन एक्सट्रीम रेस के बीच में जो बी पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचेगी, जैसे कि बी एम से एम पी जा रही है और बी एन से एन पी रे जा रही है, तो उनके बीच में पावर डिफरेंस कितना होगा पहले हम वो फाइंड करेंगे। और सबसे पहली बात की आप इसमें एरो जरूर लगाइएगा क्योंकि ये रेस पे एरो जरूर लगाना है आपको। तो स्टूडेंट्स आइए पहले लाइन देखते हैं क्या लिखेंगे आप, द पावर डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेस फ्रॉम पॉइंट बी एंड रीचिंग पॉइंट पी इज गिवन बाय। एक्सट्रीम रेस वो होती हैं जो इस लेंस की एक्सट्रीमिटी से मीन्स किनारों से पास होके जाएंगी, जैसे कि बी एम रे है और बी एन रे है, इनके बीच में कितना पावर डिफरेंस होगा जब ये पी पॉइंट पर पहुंचेंगी, तो पावर डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से, दैट पावर डिफरेंस विल बी इक्वल टू बी एन प्लस एम पी, क्योंकि ये पाथ थोड़ा लंबा है तो पहले ये लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे ये शॉर्ट वाला पाथ बी एम प्लस एम पी, बी एम प्लस एम पी। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पी पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और प्रिंसिपल एक्सिस से लेंस के एक्सट्रीमिटीज का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, मींस पीएम और पीएन बराबर होंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे बट पीएम इज इक्वल टू पीएन और एमपी इज इक्वल टू एमपी। तो स्टूडेंट्स अगर एमपी और एनपी बराबर हैं तो अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, बीएन प्लस एम पी माइनस बी एम माइनस एम पी मिलेगा, बट एम पी और एम पी बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास बी एन माइनस बी एम। इसको दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन वन से आगे प्रोसीड करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री का, तो अब हम क्या करेंगे आइए वो देखते हैं। ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है, ये आप याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से इस बी एन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इस नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं, चलिए ई नाम दे देते हैं, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस बी एम को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से,
ये हमने बीएम को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, और एक नॉर्मल हम बीएम के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको मैंने नाम दे दिया एफ पॉइंट, ये बी पॉइंट था, ये हमने दे दिया एफ पॉइंट, ये नॉर्मल है। और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये लाइन तो आपको पता ही कितना डिस्टेंस है, ये डी है, ये कितना है डी है। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा मान लें तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो हम ज्योमेट्री के सहारे ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल, और अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये आप प्रूव कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखना होगा, कोई आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई आपका मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा। हमने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए ई ऑन बी एन, और ए से ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी एम प्रोड्यूस के ऊपर, ए एफ परपेंडिकुलर बी एम। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं बी एन को हम कैसे लिख सकते हैं। बी एन को ध्यान से देखिए, बी एन, बी एन को हम ऐसे लिख सकते हैं बी ई प्लस ई एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा इज इक्वल टू बी ई प्लस ई एन। और बी एम को कैसे लिख सकते हैं, बी एम, बी एम को हम कैसे लिख सकते हैं, बी एम को हम लिख सकते हैं एफ एम माइनस एफ बी। तो उसको लिख दीजिए एफ एम माइनस एफ बी, ब्रैकेट ओपन करिए, क्या मिलेगा आपको, बी ई प्लस ई एन माइनस एफ एम प्लस एफ बी। इसको मैं दे देता हूँ सेकेंड इक्वेशन, इसके आगे के स्टेप्स में आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर टू फॉर्म कर चुके थे, अब आगे के स्टेप्स आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ए ई जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी एन के ऊपर, और परपेंडिकुलर से आगे वाले जो पाथ होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर हम पाथ ए एन की बात करें और अगर हम पाथ ई एन की बात करें तो ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर से आगे वाले डिस्टेंस जो है वो बराबर होते हैं। तो ए ई से आगे वाले डिस्टेंस कौन से हैं, ए एन एंड ई एन, ये आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ई एन, फोर इसको दे देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। इसी प्रकार से ए एफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी एम के ऊपर, तो ए एफ से आगे वाले डिस्टेंस जो है वो बराबर होंगे। ए एफ से आगे वाले डिस्टेंस कौन से हैं, ए एम है और एफ एम है, तो आप लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू एफ एम फ्रॉम फिगर, आप लिख सकते हैं ये फ्रॉम फिगर से हमें क्लियर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बट जो ए पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, और प्रिंसिपल एक्सिस से एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेंस के डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो ए एम और ए एन बराबर होंगे, बट ए एम इज इक्वल टू ए एन। इसको देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब ए एम ए एन बराबर है, अगर ए एम ए एन बराबर है तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे फ्रॉम थ्री फोर एंड फाइव, वी हैव ई एन इज इक्वल टू एफ एन। इसको दे देते हैं हम सिक्स्थ इक्वेशन, यूजिंग सिक्स इन टू, तो आपको क्या मिलेगा ये वो देखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू बी ई, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ई एन, ई एन की जगह आप एफ एम लिख सकते हैं, प्लस एफ एम माइनस एफ एम ऐसे ही रहेगा, उसके बाद एफ बी ऐसे ही रहेगा, एफ एम से एफ एम कैंसल, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू बी ई प्लस एफ बी। तो स्टूडेंट्स अब हमें बी ई और एफ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको मैं देता हूँ सेवंथ इक्वेशन। तो अगर हम ट्रायंगल बी ए एफ में देखें तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अल्फा जो होगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बेस। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालें तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू पी अपॉन एच, पी है हमारा एफ बी और एच है हमारा ए बी। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बी तो हमें निकालना है, ए बी हमें पता है स्मॉल डी है, तो डी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी साइन अल्फा आ जाएगी। इसको मैं दे देता हूँ एट्थ इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल ए ई बी से वैल्यू निकालते हैं किसकी, इसकी क्या कहते हैं बी ई की, क्योंकि ए बी हमें पता है डी है, तो बी ई की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली
सिमिलरली, यहां लिख देता हूं शायद वहां आपको नजर ना आए, सिमिलरली अगर आप बीई की वैल्यू निकालना चाहें फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई तो बीई की वैल्यू आएगी डी साइन अल्फा, सेम ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये नाइन्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एट्थ और नाइन्थ इक्वेशन को सेवंथ में यूज करेंगे। चलिए मैं कर ही देता हूं, यहां पर बी की वैल्यू कितनी निकली है डी साइन अल्फा निकली है, और एफ बी की वैल्यू कितनी निकली है डी साइन अल्फा निकली है, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई टू डी साइन अल्फा। तो ये होगी हमारी टेंथ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद एक दो स्टेप्स और बचे हैं, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली थी जो कि निकल के आई थी 2d sin अल्फा। अगर आपने इन इमेजेस को जस्ट रिजॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, इस पाथ डिफरेंस को 1.22 लैम्डा के बराबर रखना होगा। अगर ये पाथ डिफरेंस 1.22 टाइम्स लैम्डा के बराबर होगा तभी आपकी इमेजेस जो है वो जस्ट रिजॉल्व होंगी। तो आप लाइन लिखेंगे, इट इज फाउंड दैट व्हेन डेल्टा इक्वल टू 2d sin अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा where lambda is wavelength of light, तो उस केस में then images are just images P and Q are just resolved। तो यहां से अगर आप D की value निकालें तो क्या आएगी, D will be equal to 1.22 lambda is equal to 2D sin alpha। तो students अगर हम इसका reciprocal कर दें तो हमें मिल जाएगा resolving power of microscope that is reciprocal of D, limit of resolution का reciprocal आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 sin alpha upon 1.22 lambda मिल जाएगा। तो students ये तो हमने resolving power of microscope derive की है जब हमने ये assume किया है कि AB objects और objective lens के बीच में जो medium है वो air है जिसका refractive index 1 होता है। अगर हम ये इस सेटअप को किसी मीडियम में रख दें, अगर इन ऑब्जेक्ट्स ए बी और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में एक मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो उस केस में हमारा एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। इफ ऑब्जेक्ट्स इफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस is having refractive index mu, refractive index mu, then तो उस केस में resolving power का जो formula हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2 mu sin alpha divided by 1.22 lambda, जहां पर mu sin alpha को बोलते हैं where mu sin alpha is known as numerical aperture of microscope तो numerical aperture का formula क्या होता है mu sin alpha। तो हम resolving power of microscope को बढ़ा सकते हैं अगर हम lambda को decrease कर दें और numerical aperture means mu sin alpha की value को बढ़ा दें। तो students ये था हमारा resolving power of microscope। I hope आपको आज का topic जो है वो अच्छे से clear हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव एंड ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।